आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में होम ब्लॉक के अंदर में ये टेक्स्ट डायरेक्शन अलाइनमेंट टेक्स्ट और कन्वर्ट टू स्मार्ट ये तीनों फंक्शन का हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग इसको यूज करके कैसे देखेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है, हम आपको एक प्रेजेंटेशन पे करके बताएंगे, आप इसको अलग अलग प्रेजेंटेशन पे यूज करके आप देख सकते हैं। तो हम पीछे के सेशन में पैराग्राफ इस सब के बारे में, लाइन स्पेसिंग के बारे में बताए हैं, आशा करते हैं कि हमारा वीडियो देखे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में टेक्स्ट डायरेक्शन का क्या काम है, अलाइनमेंट टेक्स्ट का कैसे यूज करते हैं और ये कन्वर्ट टू स्मार्ट का क्या काम है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप टेक्स्ट डायरेक्शन खोलिए, लिखता है चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट टू वर्टिकल स्टैक और रोटेट इट टू द डिजायर्ड डायरेक्शंस। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे एक बनाए हैं, सपोज कीजिए कि हम ग्लोबल लिखे हैं, इसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज करेंगे, डिफॉल्ट में ही हॉरिजॉन्टल ही रहता है। अगर आपको लगता है कि रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपके टेक्स्ट को देखिए ये ऐसे घुमा दिया, इस रूप से आपका आ गया। अगर आप कुछ लिखते हैं और उसको घुमाना चाहते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन के रूप में, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, तो आप इसका यूज करके देख सकते हैं। फिर नीचे लिखता है रोटेट ऑल टेक्स्ट 270, आप इसको ओके कीजिए तो ये देखिए आपके टेक्स्ट को ये ऐसे घुमा दिया। फिर तीसरा उसमें दिया हुआ है स्टैक, आप स्टैक मोड करते हैं आपके टेक्स्ट को वैसे लिख देता है, थोड़ा सा ये इस तरह से देखिए GLOBAL करके दिया नीचे ऊपर करके। तो ये तीनों डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 और स्टैक मोड करके आप देख सकते हैं। फिर हम लोग एज इट इज हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल ही रहता है। इसके अलावा इसमें और लिखता है मोर ऑप्शन, अगर आप मोर ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे भी देता है वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, आप करके देख सकते हो, वही मिडिल है, बॉटम है, सेंटर्ड है, मिडिल सेंटर्ड है, आप जो अलाइनमेंट एडजस्ट करना चाहिएगा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे मिडिल में ले लेते हैं और क्लोज करते हैं तो आपका टेक्स्ट मिडिल में तो है ही। फिर यहाँ से आप चलिए सपोज कीजिए कि हम लोग इसको टॉप में ले लेते हैं, देखिए हमारा टॉप में चला गया, आप इसी चीज़ को टॉप सेंटर्ड में लेते हैं तो टॉप सेंटर में है ही। फिर मिडिल सेंटर्ड में करिए और इस तरह से बॉटम सेंटर में करिए तो आपका नीचे आ जाता है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यह टेक्स्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लिखता है, यहाँ देखिए वही बात है, यहाँ पे भी सारा ऑप्शन सब दिया है, आप यहाँ से भी करके देख सकते हैं। आप चाहे इसके अलावा तो इंडेंट का मार्जिन वगैरह भी कर सकते हैं, ये देखिए जो ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे हल्का हल्का यहाँ से बढ़ता है, राइट बढ़ाना चाहेंगे तो राइट बढ़ेगा, टॉप में ले जाना चाहेंगे तो आपका टॉप में जाएगा, बॉटम में ले जाना चाहे तो बॉटम में लेगा। तो ये यहाँ से भी आप अलाइनमेंट टेक्स्ट बॉक्स का लेआउट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, अब हम इसको थोड़ा देर के लिए अंडू करते हैं या कंट्रोल जेड करिए, एज इट इज जैसे था वैसे आपका इस मोड में आ जाएगा। अब इसी में लिखता है ये अलाइनमेंट टेक्स्ट, वही जो ही बता रहे थे टॉप मिडिल और बॉटम, तो टॉप करिए तो ये देखिए आपका पेज का जो टॉप है वो टॉप चला गया, यहाँ पे लिखता है मिडिल ये मिडिल आ गया और यहाँ पे लिखता है बॉटम तो आपका पेज का बॉटम आ गया। तो कोई भी चीज़ आप जब टेक्स्ट कोई लिख रहे हो या लिख लिए हो तो इसको हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं। फिर अलाइनमेंट टेक्स्ट के बारे में भी लिखता है चेंज हाउ टू टेक्स्ट अलाइनमेंट विद इन द टेक्स्ट बॉक्स। तो ये हम लोग यहाँ से चारों ऑप्शन का, फिर मोर ऑप्शन में जाएंगे, वही जो हम अभी आपको बताया है सारा इसके हिसाब से काम करके देखेगा, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पे लिखता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, लिखता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स टू विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स रेंज फ्रॉम ग्राफिक्स लिस्ट एंड प्रोसेस डायग्राम टू मोर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स सच एज ए वेन डायग्राम एंड ऑर्गेनाइज चार्ट। तो कहने का मतलब है कि ये चार्ट टाइप का बना के देता है, तो हम किसी दूसरे पे आपको करके बताते हैं, किसी दूसरे पे हम होम में चलते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक स्लाइड नया ले लेते हैं
या इसी स्लाइड पे करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक स्लाइड लेते हैं और किसी पे सपोज कीजिए टाइटल ओनली लेकर के हमको आपको इसी में आपको करके समझाते हैं। तो कीजिए अब जो ही खोजिएगा तो देखिए स्मार्ट आर्ट ये हाईलाइट हो गया। इसमें डिफरेंट टाइप का स्मार्ट आर्ट दिखता है। आप देखिए जो ही आप कर्सर लाते हैं तो उस टाइप से यहाँ पे बनता है। सपोज कीजिए कि हम ये ले लिए, अब इसमें चाहे तो टेक्स्ट वन में कुछ टेक्स्ट में इस टाइप का अगर आपको कुछ बनाने हैं गोल टाइप का तो आप बना के इसमें लिख सकते हैं। अब जैसा रखिए अब जो ही हम इसको बनाए तो इससे रिलेटेड बहुत सारा ऑप्शन सब आ गया। ये पसंद नहीं है तो आप ये लीजिए, ये पसंद नहीं है तो ऐसे लीजिए, आप ऐसे लीजिए, सारा ऑप्शन सब यहाँ देता है। इसके अलावा इसमें से जो चाहे आप कलर बदल सकते हैं, जैसा चाहे आपका यहाँ पे कलर देता है। ये देखिए आप इस टाइप से इसका कलर बदल सकते हैं, तो आप जैसा ले उसके हिसाब से आपको इसमें कलर बदल के देगा। ये सारा ऑप्शन देखिए आपको इस टाइप से देता है। इसके अलावा इसमें देता है चेंज कलर में भी डिजाइन सब दिया हुआ है, आप जैसा डिजाइन लेना चाहेंगे आप वैसा डिजाइन इसमें आप बदल सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा इसमें कलर के अलावा स्मार्ट स्टाइल का डिजाइन भी आप बदल सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन सब दिया हुआ है, आप जैसा ले सपोज कीजिए कि हम इस टाइप से लिए तो इसका भी आप कलर बदल सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा लिया, आप इस टाइप से चाहें तो ऐसे कर देगा, ऐसे चाहें तो ऐसे करेगा। तो जैसा आप चाहें स्मार्ट आर्ट का ग्राफ का डिजाइन आप बदल सकते हैं। यहाँ से आप कलर बदल सकते हैं, लेआउट में जाइए, फिर आपको ये दूसरा चाहिए सपोज कीजिए तो हम इसको एक सेकेंड के लिए डिलीट करते हैं और फिर से आप किसी पे भी कर्सर रखिए, कहीं पे भी रखते हैं जहाँ पे आपका स्मार्ट हाईलाइट होता है। फिर से ये टाइटल ओनली वाला लेते हैं और आपको इसमें हम एक और करके बताते हैं। क्लिक कीजिए, स्मार्ट आर्ट आपका हाईलाइट है और इसमें से मोर स्मार्ट ग्राफिक ऑप्शन लिखता है। ये देखिए इसमें ऑल दिए हुए हैं, हम सब देखें, लिस्ट में देखेंगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा। इसमें प्रोसेस में आप आएंगे तो प्रोसेस में आपको इस टाइप से मिलेगा, आपको कौन सा चाहिए। आप साइकिल वाले में जाइए तो इस टाइप से साइकिल टाइप का गोल बना के देगा, आपको देगा लिखता है। इसमें ये लिखिए तो इसमें देखिए इस टाइप का ग्राफ आप बनाता चाहते हैं तो देता है। रिलेशनशिप में देखिए इस टाइप से एक दूसरे का रिलेशन बना के दिखाता है। मैट्रिक्स वाले में ऐसे रहेगा और पिरामिड वाले में आपको ऐसे रहेगा। आप इसमें से कोई बारी बारी से सब ले करके करके देख सकते हैं, सारा करके बताना मुश्किल है। तो इसी में कोई एक आप ले लीजिए या रिलेशनशिप वाले में से कोई एक ऑप्शन हम लेते हैं इस टाइप से ले ले, या मैट्रिक्स ही लीजिए सपोज कीजिए किए लेते हैं। तो फिर इसमें भी किस टाइप का देखिए इस टाइप से लिखता है। आप यहाँ जो ही ओके करेंगे तो ये देखिए बना कर दिया। आप टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू इस बीच में ऐसे में अगर आपको कोई भी चीज़ बनाना है तो आप करके देख सकते हैं। आप चाहें तो फिर वही कलर ऑप्शन सब यहाँ बहुत दिए हुए हैं, कलरफुल एसेंट एसेंट टू एसेंट थ्री, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन सब ये देखिए। आप इसमें से जो लेना चाहे सपोज कीजिए कि हम लोग इस टाइप से सेट कर दिए तो हमारा ये कलर आ गया। फिर आप यहाँ से भी कलर का डिजाइन बदल सकते हैं, यहाँ से भी आप खोलेंगे तो इस टाइप से आपको देता है। जैसा आप लेना चाहे आप लेके कर सकते हैं। इसके अलावा फिर इसमें से मोर लेआउट में जाते हैं तो फिर वहीं पे ले जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग चूजे स्मार्ट ग्राफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये आप जैसा बनाना चाहे आप सब में टेक्स्ट लिख करके इस टाइप से आप पावर पॉइंट के अंदर में बना सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि होम ब्लॉक के अंदर में आप स्मार्ट टेक्स्ट डायरेक्शन का क्या काम है, आपको अलाइनमेंट टेक्स्ट का क्या काम है, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का क्या काम है। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता है।